क्या डीयू प्रशासन ये चाहता है कि छात्र अब अपना सबर का बांध तोड़ दें, या फिर डीयू प्रशासन छात्रों की इस आंदोलन को और बढ़ा देना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजशेखर और आप देख रहे हैं सुपर जस्टिस न्यूज। दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर चल रहे आंदोलन के अंदर काफी सारे सवाल जवाब यहाँ खड़े हुए हैं। इतने दिनों से लंबा आंदोलन चलता आ रहा है और डीयू प्रशासन इस पर कोई भी सक्रियता नहीं दिखा रहा है। तमाम मेमोरेंडम जमा करने के बाद डीयू प्रशासन की तरफ से बस आश्वासन छात्रों को दिया जा रहा है। अब इसी सब के चलते छात्रों ने भी अपने आंदोलन में तेजी दिखा दी है। 25 तारीख का एक ऐलान करते हुए छात्रों ने कहा है कि अब 25 तारीख को कुछ भी हो जाए, हम इस जीत को जीत कर ही रहेंगे, हम इस आंदोलन को जीते बिना लौटेंगे नहीं, चाहे उनको 25 तारीख को कुछ भी करना पड़े। एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है जिसमें साफ तौर पर एक छात्र द्वारा ये सारे बयान दिए गए हैं कि अब डीयू प्रशासन के खिलाफ वो कुछ भी करने को तैयार हैं क्योंकि उनको अपने हक की लड़ाई को जीतना है। मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। वंदे मातरम साथियों, मैं जयंत राज आप सबको अवगत कराना चाहता हूँ कि 25 मार्च 12 बजे आर्ट फैकल्टी को हमारा प्रोटेस्ट होगा। आप सब लोगों से मेरा यही निवेदन है कि जितनी ज्यादा संख्या हो सके उस दिन लाइए, जिसको भी ला सके लेके आइए, क्योंकि वो भी हमारी मांग जो है वो हमें रखनी है सबके सामने, उसके लिए हमें जोरदार प्रदर्शन करना पड़ेगा। तो जितने भी ज्यादा लोग हो सके 25 मार्च को इकट्ठा होइए आर्ट फैकल्टी पे। इस बार हम अपनी मांग पूरी करके रहेंगे, चाहे हमें विश्वविद्यालय से के सामने कुछ भी करना पड़े, हमें अपनी मांग रखनी है और हमें अपनी मांगे पूरी करनी है।